खरगोन जिले के सेगावा नगर में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र मंडलोई के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं द्वारा डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के विरोध में महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसील कार्यालय के लेखापाल प्रेम सिंह डुडवे को सौंपा गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पंडरी लाल गुप्ता, काशीराम यादव, राकेश यादव, अशोक बाबूजी, संजीव पाठक, नजर मोहम्मद और कांग्रेस नेता मौजूद थे। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज किस बात का ज्ञापन देने आया था? आज दिनांक 24/6/2020 को डीजल पेट्रोल के जो मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब 6 तारीख से बहुत काफ़ी बढ़ रहा है और आज की स्थिति, आज की जो तारीख में डीजल का मूल्य है 80.46 रुपये और डीजल चूँकि किसानों के से ज़्यादा जुड़ा है और डीजल की मूल्य के कारण जैसे अभी ट्रांसपोर्ट है, जो सामान आता है, जो भाड़ा वगैरह ये बढ़ता जा रहा है, इससे आम जनता को काफ़ी परेशानी महसूस हो रही है और उससे महंगाई भी बढ़ रही है। इस डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है और चूंकि मध्य प्रदेश में वेट टैक्स बहुत ज़्यादा है अपने अन्य राज्यों की तुलना में, तो वेट टैक्स अगर कम करें तो कुछ राहत मिल सकती है और चूँकि डॉलर का मूल्य अभी वर्तमान में काफ़ी कम है तो वैसे भी इसका मूल्य कम होना चाहिए और डीजल और पेट्रोल मेरे ख्याल से 10-10 रुपये से ज़्यादा मूल्य बढ़ चुका है। इसको जो मूल्य वृद्धि की गई है राज्य सरकार वेट टैक्स से कम करके तत्काल इसको वेट टैक्स से कम करें। और क्या नाम लिखता है? राजेंद्र सिंह मंडलोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।